घर का इकलौता चिराग था मुर्गा व्यवसायी मंसूर आलम। पिता की मौत के बाद माँ, पत्नी और छोटी बच्ची के परवरिश की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। अनियंत्रित टक ने उसे रौंद दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर हो गई। मृतक जिले के मढ़ौरा थाना अंतर्गत कादीपुर गांव निवासी महमूद अंसारी का 22 वर्षीय पुत्र मंसूर अंसारी था, जो कि मढ़ौरा थाना अंतर्गत पैगा बाजार पर अपनी मुर्गा की दुकान चलाता था। आज संध्या दुकान जाने के क्रम में अनियंत्रित ट्रक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दिया, जिसके कारण वह गिर गया और ट्रक का चक्का उसके सिर पर चढ़ गया, जिसके कारण मौके पर उसकी मौत हुई है। इस घटना के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रात्रि में ही पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवार वालों को सौंप दिया है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। कैसे दुर्घटना हुई है? जी, दुर्घटना ये हुआ है कि मंसूर आलम जो लड़का है वो कादीपुर गांव का है। वो कादीपुर से अपने दुकान पैगा जा रहा था, मुर्गा का दुकान है पैगा में। तो जो नेका बाजार से आगे बढ़ा तो माधोपुर एक गांव आता है, वहां पे उसका वो अपने साइड से जा रहा था, लेफ्ट साइड से। उधर से ट्रक 10 चक्कर ट्रक डंपर आ रही थी और उसको डायरेक्ट सामने सामने मार दिया और उसका ब्रेन पे चक्का चढ़ गया है, जो स्पॉट डेड वहीं पर हो गया है। और गाँव वाले ने कोई उसको वहाँ पर उठाया पकाया नहीं है। जब प्रशासन आई है तो प्रशासन हम लोग को इतला किया, तो हम लोग गए और वहाँ से उसका बॉडी उठा के यहाँ पे गए। दुर्घटना कहाँ पे हुई है? माधोपुर गांव में, मढ़ौरा क्षेत्र। आप कौन हुए मृतक के? हम मृतक नहीं है, हम उस पंचायत के सरपंच हुए, मेरा नाम तमन्ना आलम हुआ।